से शब्द मूवी देखिए सिर्फ FWF ओरिजिनल्स पर। बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी अब 3 बच्चों की मां बन चुकी हैं। सनी को ट्रोल करने में ड्रामा क्वीन राखी सावंत भी पीछे नहीं रही हैं। राखी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो उन्हें पहले तो सनी को 3 बच्चों की मां बनने के लिए बधाई दे रही हैं और उसके बाद कई सवाल भी पूछ रही हैं। राखी ने पूछा, सनी तुम प्रेग्नेंट कब हुई और ये बच्चे कब पैदा हुए? अब तो तुम्हारे पास 3 बच्चे हो गए हैं, तुमने शादी भी कर ली और बच्चे भी। यार मैंने तो अब तक एक चूहा भी पैदा नहीं किया, अब मुझे किसी को पकड़ना पड़ेगा। हाँ अब मुझे भी कुछ ना कुछ तो पैदा करना ही पड़ेगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत और राजकुमार राव की अपकमिंग फिल्म मेंटल है क्या के डिफरेंट पोस्टर्स दर्शकों को काफी पसंद आ रहे हैं। हाल ही में फिल्म के 2 पोस्टर जारी किए गए थे। पहले पोस्टर में कंगना और राजकुमार दोनों ने अजीब मुंह बनाया हुआ था, जबकि दूसरा किसी क्राइम सीन का लग रहा है। इस पोस्टर पर लिखा हुआ है सैनिटरी इज ओवररेटेड। पोस्टर में कंगना स्विम सूट पहने हुए लेटी हुई नजर आई तो राजकुमार राव के चेहरे पर टेप चिपका हुआ दिख रहा है। अब मेकर्स ने फिल्म का 3रा पोस्टर भी जारी कर दिया है। फिल्म के नए पोस्टर में कंगना जली हुई ब्रेड को काटने के लिए बड़ा सा चाकू लिए हुए नजर आ रही हैं, जबकि राजकुमार भी एक बड़े चाकू से सेब काटते हुए दिख रहे हैं। विकास बहल की ये फिल्म एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। फिल्म की शूटिंग इसी महीने शुरू हो रही है। फर्स्ट शेड्यूल मुंबई में शूट करने के बाद इसकी बाकी की शूटिंग लंदन में होनी है। इस फिल्म के निर्माता एकता कपूर हैं और इसे तेलुगु के मशहूर निर्देशक प्रकाश कोवेलामुड़ी डायरेक्ट कर रहे हैं। बॉलीवुड में एक वक्त एक्ट्रेस डिंपल कपाडिया का जलवा हुआ करता था और अभी भी वो फिल्मों में काम करती हुई नजर आती ही रहती हैं। वैसे आज अपनी रिपोर्ट में डिंपल कपाडिया की जिंदगी से जुड़े एक ऐसे शख्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। डिंपल कपाडिया की बहन का नाम सिंपल कपाडिया है। आपको बता दें कि अगर सिंपल जिंदा होती तो आज वो 59 साल की होती। फिल्मों में एक वक्त अपना नाम बनाने वाली सिंपल आज भले ही हमारे बीच में ना रही हो, मगर उनकी फिल्में आज भी यादगार हैं। सिंपल को जब फिल्मों में काम करने के बाद शोहरत हासिल नहीं हुई तो उन्होंने एक्टिंग छोड़कर फैशन डिजाइनिंग का काम शुरू किया। उन्होंने कई फिल्मों में कॉस्ट्यूम डिजाइन किए। उन्हें फिल्म रुदाली के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का नेशनल अवार्ड भी मिला था। फिल्म अनुरोध से बड़े पर्दे पर डेब्यू करने वाली सिंपल को साल 2006 में कैंसर हो गया था और साल 2009 में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। आपको बता दें कि सिंपल ने राजेश खन्ना के साथ डेब्यू किया था। फिल्म अनुरोध में उन्होंने राजेश के साथ रोमांटिक सीन्स लिए थे और इस वक्त तक राजेश और डिंपल की शादी हो चुकी थी। एक खास बातचीत में सिंपल ने बताया था कि डेब्यू मूवी के दौरान मैं राजेश के साथ काम करने को लेकर असहज हो जाया करती थी। आपको ये भी बता दें कि सिंपल फिल्मों में अपने हॉट सीन्स के लिए भी जानी जाती थी। खैर अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की बॉलीवुड की न्यूज के लिए। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की कुछ ऐसी ही अनसुनी खबरों के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।